हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात चोरों ने जिले के पचपदरा थाना अंतर्गत एक पेट्रोल पंप पर बंदूक की नोक पर लूट का प्रयास किया। वहीं एक कार्मिक पर चाकू से वार कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। हालांकि लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दरअसल पचपदरा थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे स्थित एक पेट्रोल पंप पर लुटेरों ने लूट का प्रयास किया। थोप के पास मनीषा पेट्रोल पंप पर देर रात दो लुटेरों ने पिस्तौल दिखाकर लूट के प्रयास किया, लेकिन कर्मचारियों की हिम्मत के आगे वे सफल नहीं हो पाए और फरार हो गए। देर रात करीब 2 बजे दो लुटेरों ने पंप पर सो रहे कर्मचारियों पर पिस्तौल तान कर आँखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया। वहीं कर्मचारी लुम्बा राम के साथ मारपीट की, लेकिन पास में टोल नाका होने व कर्मचारियों के शोर मचाने पर लुटेरे हड़बड़ा गए और मौके से फरार हो गए। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई। वहीं पचपदरा पुलिस को सूचना मिलने पर मौका मुआयना किया गया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए लुम्बा राम पेट्रोल पंप कर्मचारी, इन्होंने ये कहा। दो आदमी थे, स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल लेके आए, होटल के आगे खड़ी कर दी। अच्छा, ठीक है, फुटेज में देखा हमने। आते हुए मोटरसाइकिल मैंने खुद ने नहीं देखा, फुटेज से देखा। उसके बाद में वो मोटरसाइकिल वहां छोड़ के आए, मेरे बच्चा एक घर का पास में था यहाँ। अच्छा, पे उस बच्चे के ऊपर से हृदय था कि वो उठ गया, उसको पिस्तौल ताड़ी बाहर बढ़ा के मैं यहाँ सोया था, आप बैठे यहाँ। वो मेरे ऊपर पड़ा क्या मारे मारे कर, मैं भी खड़ा हुआ तो मेरे ऊपर पिस्तौल, पैसे निकाल जल्दी कर, पैसे निकाल जल्दी कर। मैंने कहा मारना तो वैसे ही है, मौत ये दो है, अपने को मारेंगे तो निकाल जल्दी। फिर वो पीछे देखा तो मिल गया, छोड़ लेके आया तो फिर उधर की तरफ भग गए। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।